अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान लारिब खान। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा के शहर टोरंटो में यूक्रेन के यौम आज़ादी की तकरीब में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। यूक्रेनी कौंसल जनरल का कहना था कि कनाडा की हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। कनाडा की आबादी 2068 तक बढ़कर 57 मिलियन तक पहुंच सकती है। स्टैटिक्स कनाडा की रिपोर्ट के मुताबिक 2043 तक ऑन्टेरियो की आबादी में 4.2 मिलियन लोगों का इजाफा हो सकता है। मुल्क को हाउसिंग और सेहत के शोबे में चैलेंजेस का सामना होगा। नेटो सेक्रेटरी जनरल का दौरा है कनाडा। नेटो इत्तेहाद ने शुमाली हिस्से की हिफाजत पर जोर देना शुरू कर दिया। माहिरीन का कहना है कि कनाडा ने तवील अरसे से आर्किटेक्ट में नेटो की ज्यादा शमूलियत की मुखालफत की है। रूस से तजारत अमरीका की तुर्किया पर पाबंदियां आयद करने की धमकी। अमरीका की यूक्रेन के लिए $3 बिलियन की फौजी इमदाद। बोरिस जॉनसन की यूक्रेन आमद, यौम आज़ादी पर इजहार यकजहती। थाईलैंड की अदालत ने वजीर आजम को मुअत्तल कर दिया। डिप्टी वजीर आजम जिम्मेदारियां संभालेंगे। मुअत्तल वजीर आजम की अदालती फैसला कबूल करते हुए अवाम से पुरअमन रहने की दरख्वास्त। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। जस्ट टॉस एन इको फ्रेश डिटर्जेंट स्ट्रिप इनटू द वॉशर फॉर अ कन्वीनियंट इको फ्रेंडली येट पावरफुल वॉश। हाइपोएलर्जेनिक, सेफ फॉर सेंसिटिव स्किन। Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky, na badboo, or mukammal absorption. और हाथ नरम, मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। घर में सबकी हेल्थी लाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। ग्रैंडपा, हस्बैंड, किड्स और वाइफ के लिए ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ। एक टैब दे इन्हें दिन भर की एनर्जी और पूरा दिन रखे इनको एक्टिव नेचुरली। एक डोज से बेहतर इम्यूनिटी। एक डोज से सब फिट रहे ऑल डे लॉन्ग नेचुरली। ग्रीनिश नेचुरल हेल्थ, हेल्दी लिविंग फॉर द होल फैमिली। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी करीबी फार्मेसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। टोरंटो में सैकड़ों अफराद ने यूक्रेन की आजादी के 31 साल और जंग के 6 माह पूरे होने पर क्वींस पार्क में जमा हुए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में सैकड़ों अफराद ने यूक्रेन की आज़ादी के 31 साल 6 माह की जंग के मौके पर क्वींस पार्क में जमा हुए। मुजाहरे में शरीक यूक्रेन से फरार होकर कनाडा आने वालों का कहना था कि ये वाकई मुश्किल है कि यूक्रेन में कोई भी महफूज ना हो और हम अपने ख़ानदानों की कफालत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो कनाडा की तरफ से कई सालों की हिमायत के साथ साथ 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन की आज़ादी का ऐलान करने पर शुक्रगुजार हैं। हमें अब भी नाइंसाफी का एहसास है। ये कैसे हो सकता है और कोई इसे रोक नहीं सकता। एक पागल आदमी बस वही कर रहा है जो वो करना चाहता है और सारी दुनिया उसे नहीं रोक सकती। तकरीब में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की जिनमें से अक्सर यूक्रेन के झंडे लहराते हुए या लपेटे हुए नजर आए। टोरंटो में यूक्रेन के कौंसल जनरल ने आने वाले महीनों के लिए तश्वीश का इजहार किया। बम और रॉकेट अभी तक पूरे यूक्रेन के शहरों पर गिर रहे हैं। अलेक्जेंडर शिवचेंको ने कहा, यूक्रेन में सूरत हाल वाकई संगीन है, इसलिए हमें खास तौर पर आने वाले मौसम सरमा में मजीद मदद की जरूरत होगी। कनाडा की आबादी 2068 तक बढ़कर 57 मिलियन तक पहुंच सकती है, जिसके सबब मुल्क को रिहाइश और सेहत की देखभाल के लिए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा की आबादी 2068 तक बढ़कर 57 मिलियन तक पहुंच सकती है, जिसके सबब मुल्क को रिहाइश
सेहत की देखभाल के लिए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कनाडा की आबादी इमिग्रेशन और आबादी में इजाफे में कमी के सबब आने वाली दहाइयों में बड़ी और बूढ़ी होने वाली है। माहिरीन का कहना है कि ये रुझानात हमारी रिहाइश और सेहत की देखभाल की ज़रूरियात पर बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। स्टैटिस्टिक्स कनाडा की जानिब से जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा की आबादी 2043 में 47.8 मिलियन और 2068 तक 56.5 मिलियन तक पहुंच सकती है, जो दरमियाने दर्जे की तरक्की के मंजरनामे में है। आबादी के तखमीने की दीगर मंजरनामों के मुताबिक कनाडा की आबादी 2068 में 44.9 मिलियन और 74.0 मिलियन के दरमियान कहीं भी बढ़ सकती है, लेकिन शुमारियात कनाडा की रिपोर्ट में नोट किया गया है कि इसका असर रिहाइश की दस्तियाबी पर पड़ सकता है। गुज़िश्ता जून में कैनेडियन मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉरपोरेशन की एक रिपोर्ट में अगली दहाई के दौरान मुल्क में हाउसिंग स्टॉक में 2.3 मिलियन यूनिट्स के इजाफे का तखमीना लगाया गया था, लेकिन कहा गया था कि कनाडा को 2030 तक मजीद 3.5 मिलियन सस्ते हाउसिंग यूनिट्स की ज़रूरत है। माहरीन का कहना है कि कनाडा की हाउसिंग सप्लाई बढ़ती हुई आबादी को बरकरार रखने के लिए काफ़ी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा की एक नई प्रोजेक्शन रिपोर्ट के मुताबिक जब ऑन्टेरियो की आबादी की बात आती है तो अगली दो दहाइयों में बड़ा इजाफा देखने में आ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2043 तक ऑन्टेरियो की आबादी में 4.2 मिलियन लोगों का इजाफा हो सकता है। वफाकी एजेंसी ने पीर को ये तखमीना शाया किया। 2021 की मर्दमशुमारी के आदाद शुमार की बुनियाद पर ऑन्टेरियो में एक अंदाजे के मुताबिक 14,08,26,000 लोग थे। आर्कटिक में नेटो की शमूलियत के खिलाफ कनाडा की देरीना मुजाहमत कम होती दिखाई देती है, क्योंकि दर्जा हरारत में इजाफा और खत्ते में रूसी और चीनी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। आर्कटिक में नेटो की शमूलियत के खिलाफ कनाडा की देरीना मुजाहमत पिघलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि दर्जा हरारत में इजाफा और खत्ते में रूसी और चीनी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग के दौरे की मेजबानी कर रहे हैं। ये दौरा नेटो के सेक्रेटरी जनरल के कनाडा के आर्कटिक के पहले दौरे की नुमाइंदगी करता है और ये इस वक्त आया है जब फौजी इत्तेहाद ने अपने शुमाली हिस्से की हिफाजत पर ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा ने तवील अरसे से आर्कटिक में नेटो की ज्यादा शमूलियत की मुखालफत की है, जिसकी वजह माहिरीन ने कनाडा की खुद मुख्तारी के तहफ्फुज़ और रूस को मुश्तइल करने से बचने की ख्वाहिश के तौर पर बयान करते हैं। लेकिन पस मंजर पर बात करते हुए एक सीनियर सरकारी अहलकार का कहना था कि स्टोल्टनबर्ग का दौरा इस बात की अक्कासी करता है कि जब बात खत्ते में सरगर्मी और सलामती की हो तो मौसमियाती तब्दीली के असरात इस बात को तस्लीम करते हैं। कुछ माहरीन का कहना है कि शुमाली बईद में नेटो के साथ काम करने में कनाडा की हिचकिचाहट में नरमी बहुत तवील है। हालांकि किसी भी गहरे तआवुन को क्या शक्ल इख्तियार करनी चाहिए उस पर गर्मा गर्म बहस हो रही है। अमरीका ने रूस से तजारती ताल्लुकात रखने की सूरत में तुर्किया पर पाबंदियां आयद करने की धमकी दे दी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीका ने रूस से तजारती ताल्लुकात रखने की सूरत में तुर्किया पर पाबंदियां आयद करने की धमकी दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी वजारत खजाना की जानिब से तुर्किया की बड़ी कारोबारी शख्सियात और इदारों को एक खत भेजा गया है, जिसमें रूस से तजारत करने पर पाबंदियां आयद करने की धमकी दी गई है। तुर्किया की कारोबारी शख्सियात ने खत मिलने की तस्दीक की है। रवां माह के आगाज में तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान और उनके रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन ने एक मुलाकात के दौरान दो तरफा मौशी तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया था। तुर्किया के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक रूस और तुर्किया के दरमियान तजारत में मई और जुलाई में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 50% इजाफा हुआ। अमरीकी डिप्टी वजीर खजाना ने जून में तुर्किया का दौरा किया था और हुकाम को रूस से तजारती रवाबित रखने पर पाबंदियां लगाने से मुतालिक खबरदार किया था। यूक्रेन रूसी हमले के बाद पहला यौम आज़ादी मना रहा है। इस मौके पर बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन यूक्रेन से इजहार यकजहती के लिए एक बार फिर कीव पहुंच गए। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कीव में यूक्रेनी सदर जेलेंस्की से मुलाकात की और उन्हें बरतानवी हिमायत का यकीन दिलाया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोरिस जॉनसन का कहना था, बरतानिया यूक्रेन के साथ खड़ा है, उन्हें यकीन है यूक्रेन ये जंग जीत जाएगा। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने रूस के खिलाफ जंग के लिए यूक्रेन को मजीद ड्रोन्स, मिसाइल
और दीगर जंगी साजो सामान देने का ऐलान भी कर दिया। बरतानवी वजीर आजम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूक्रेनी सदर जेलेंस्की ने कहा कि ये यूक्रेन की अहमियत है और मगरिब ने मास्को को जंग की रफ्तार पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के लिए तकरीबन $3 बिलियन की नई फौजी इमदाद का ऐलान कर दिया। सदर जो बाइडन का कहना है कि इस इमदाद का मकसद यूक्रेन को रूस के हमले के खिलाफ दिफा में मदद करना है, जो तवील मुद्दत के लिए है और ये जंग सातवें महीने में दाखिल हो रही है। यूक्रेन के सोवियत यूनियन से यौम आज़ादी पर जो बाइडन ने कहा कि 2.98 बिलियन डॉलर का पैकेज की कोफिजाई दिफाई निज़ाम, तोपखाने के निज़ाम और जंगी साजो सामान बगैर पायलट के फिजाई निज़ाम के इंसदाद और रिडार्स के हुसूल में मदद फराहम करना है। रूसी अफवाज के मुल्क पर मुकम्मल फौजी हमले के आगाज के बाद से यूक्रेन के लिए ये वाहिद सबसे बड़ा अमरीकी इमदादी पैकेज है। थाईलैंड की अदालत ने अपोजिशन जमात की आईनी दरख्वास्त पर वजीर आजम प्रायुत चान ऊचा को मुअत्तल कर दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। थाईलैंड की अदालत ने अपोजिशन जमात की आईनी दरख्वास्त पर वजीर आजम प्रायुत चान ऊचा को मुअत्तल कर दिया। आलमी खबर रिसा अदारे के मुताबिक थाईलैंड में वजीर आजम के ओहदे 8 साल मुद्दत मुकम्मल होने पर उनकी मुअत्तली के लिए अपोजिशन जमात की दरख्वास्त पर आईनी अदालत में समाअत हुई। वजीर आजम के ओहदे की मुद्दत से मुतालिक दरख्वास्त मरकजी अपोजिशन जमात ने दायर की, जिसमें मौकफ इख्तियार किया गया कि वजीर आजम के ओहदे की 8 साल मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। अदालत ने अपोजिशन की जानिब से जमा कराए शवाहिद और दस्तावेजात को मद्देनजर रखते हुए वजीर आजम को ओहदे से मुअत्तल करके 15 रोज में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है और तब तक डिप्टी वजीर आजम प्रोत भिंगसान जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। प्रायुत चान ऊचा ने 2014 में मुंतखिब हुकूमत का तख्ता उल्टा करके ओहदा संभाला था। वो 2019 में फौज के तैयार करदा आइन के तहत होने वाले इंतखाबात के बाद सिविलियन वजीर आजम बने थे। मुअत्तल वजीर आजम ने अदालती फैसला कबूल करते हुए आवाम से पुरअमन रहने की दरख्वास्त की है। मुल्क में आम इंतखाबात आइंदा बरस मई में होना है। टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपनी मेजबान आरिफ खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.